शनिदेव। प्रिय भक्त गणों, मैं गुरु मारुपनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। इस हफ्ते हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगी। पहले आपको याद लगा दूं कि हम सभी ये आपके लिए वीडियोस जो लेकर के आते हैं ये हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से लेकर के आते हैं। शनि भगवान का बहुत विशेष आशीर्वाद है यहाँ शनिपीठ में। पूरी दुनिया से, कहने को तो एक छोटा सा मंदिर है लेकिन पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, अपना सर झुकाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, अपनी मन्नतें ईश्वर के सामने रखते हैं और भगवान श्री शनिदेव उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को न मानते हुए बहुत से लोग पूरी दुनिया से, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देशी हो, इस हमारे शनिपीठ मंदिर में आते हैं और भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुधारते हैं। तो उन्हीं भगवान श्री शनिदेव को नमन करते हुए, उन्हीं भगवान श्री शनिदेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो ऐसी इच्छा करते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आई हूँ। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ऐसी वो कौन सी सात चीजें हैं, सात वस्तुएं हैं जिनका दान करने से सात जन्मों तक दरिद्रता आपके यहाँ वास करती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है। अगर आप जाने अनजाने में ऐसी कोई चीजें दान कर रहे हैं जो कि आपको सूट नहीं करता, दान नहीं करना चाहिए, तो आप अपने ही हाथों अपनी दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं और ऐसी दरिद्रता जो एक नहीं, दो नहीं, सात जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये वीडियो मैं बता दूं उन्हीं लोगों के लिए है जो धर्म को मानते हैं, जिनको आस्था है अपने हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। और इसका जो हम आपको कारण बताने जा रहे हैं और इसको क्या क्या आपको अपने जीवन में दान नहीं करना है वो बताने जा रहे हैं, उसका पालन अवश्य करें। अगर भूलवश आप ऐसा कर रहे हैं तो तुरंत इसे रोक दें, क्योंकि ये स्थिति आपको बहुत ही नुकसान करेगी। इसके साथ ही आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन है, घंटी का आइकन है, उसके साथ उसे भी जरूर दबा लें ताकि अपलोड होते ही हर वीडियो का मैसेज आप तक तुरंत पहुंच जाए। प्रिय भक्तगणों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आई हूँ। हमारे शनिपीठ मंदिर से हर महीने आप सभी को अब एक फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। जितने भी YouTube पर हमारे व्यूअर्स हैं, उन सभी को जो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन सभी को एक फ्री गिफ्ट यानी कि तोहफा हमारे शनि मंदिर की ओर से दिया जाएगा, जो कि आपके घर तक हम आपको डिलीवर करेंगे बाई पोस्ट या कुरियर के थ्रू। इस फ्री गिफ्ट को पाने के लिए आपने केवल इतना करना है, जो वीडियोस आप हमारी देखते हैं उसके अंदर आपको एक छोटा सा कोड दिया जाएगा, जैसे कि 444। इस कोड को आपने नोट करना है और हमारी 12 वीडियोस में जो अलग अलग कोड आएंगे उस कोड को आप नोट करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने पते के साथ मैसेज करें ताकि हम फ्री गिफ्ट आपके घर तक आपको पहुंचा दें। हर महीने हमारी वीडियोस में 30 अलग अलग कोडों को दिया जाएगा, जिसमें से केवल 12 कोड आपने हमें देने हैं। जैसे ही आपके द्वारा दिए गए 12 कोड हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपके एड्रेस के साथ हमें मिलेंगे, विदिन 3 डेज यानी 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ से आपका फ्री गिफ्ट आपको भेज दिया जाएगा। 15 जुलाई 2019 तक प्रत्येक व्यक्ति को जो हमें 12 अलग अलग कोड हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, उन सभी को हमारे शनि मंदिर द्वारा नवग्रह शांति कवच आपके घर तक आपको भेजा जाएगा। इस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए आपने कोई भी पैसा नहीं देना है। पोस्ट का चार्ज, कुरियर का चार्ज, पोस्ट ऑफिस का चार्ज, वो सभी हमारी तरफ से लिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गिफ्ट आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए हमारे सभी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें और आखिर तक देखते रहें। कब आपको वो कोड मिले उस 3 डिजिट के कोड को आप नोट करें और हमें व्हाट्सएप पर जरूर बताएं। ध्यान रखें, 15 जुलाई 2019 से पहले आपने 12 अलग अलग कोड कलेक्ट करके हमें एक साथ अपने पूरे पते और पिन कोड नंबर के साथ हमारे किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें ताकि हम आपको आपका फ्री गिफ्ट आपके घर तक पहुंचा सकें। लघुत्व मूलम च किमर्पितेव गुरुत्व मूलम यदयाचनम च जातो ही कायस्य पुनर्ना जन्म
कोवामृतो यस्य पुनर्नामृत्युः। लघुत्व यानी छोटा अगर हम महसूस करते हैं या अभी हम बढ़े नहीं पा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो छोटेपन की जो जड़ है वो क्या है, कहां से ये छोटापन उत्पन्न होता है और कहां से बड़प्पन बड़े होने की कला निकलती है। अगर हम जीवन में मांगते हैं, अगर जीवन के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो केवल मांगने का है कि हमें और चाहिए और चाहिए, हमें दूसरे से केवल चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति हमें छोटा बनाती है। हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते, छोटे ही रह जाते। अब आप कहेंगे गुरु माँ हम क्या मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हो, माता पिता से वात्सल्य मांगते हो, अपने जीवन साथी से जीवन भर का साथ सेवा मांगते हो, प्रेमी से प्रेम मांगते हो, ईश्वर से तो ना जाने क्या क्या मांगते हो, दोस्तों से वफादारी मांगते हो, रिश्तेदारों से इज्जत मांगते हो, तो क्या नहीं मांग रहे। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं दूसरे को क्या दे रहा हूं, क्या मैं किसी को प्रेम दे रहा हूं, क्या मैं किसी को इज्जत दे रहा हूं, क्या मैं किसी को सेवा दे रहा हूं, क्या मैं किसी के साथ वफादार हूं। देने की इच्छा जिस दिन आपके अंदर होगी तो अपने आप ही आप बड़े बन जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। और जब तक जीवन में केवल इच्छा डिमांड की है, मांगने की है, तब तक छोटे ही बने रहोगे। तो छोटेपन की जड़ ही मांगना है। एक उदाहरण देती हूं, मैंने सुना है कि एक साधु संन्यासी एक दिन किसी गांव में प्रवचन करने के लिए गए। वहां से जा ही रहे थे कि एक भिखारी ने उनको पकड़ लिया और कहने लगे कि महात्मा मुझे ये बताओ मैं इतना गरीब क्यों हूं, मैं क्यों इतना दरिद्र, क्यों इतना परेशान हूं, पहले मुझे ये बताओ इसका कारण क्या है, भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया। महात्मा ने कहा कि भैया ऐसा है जो तेरे पास है ना तो वो दे नहीं रहा, इसलिए तो गरीब है, इसलिए तो दरिद्र है। भिखारी को बात समझ में नहीं आई, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं किसी और को दे दूं, अरे मैं तो बिल्कुल कंगाल हूं, एक रुपया नहीं, खाना भी मुझे मांग के खाना पड़ता है, मैं किसी को क्या दे सकता। उस साधु संन्यासी ने कहा देने के लिए तो तेरे पास बहुत कुछ है, बस तू तो समझ नहीं पा रहा, तेरे पास कोई आता है या रास्ते में भी तू किसी से मिलता है, अगर तू उसको केवल मुस्कुराहट दे दे तो वैसे ही उसका दिन बन जाए, मुस्कुराने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना, ये तो तू दे ही सकता है, इतना हट्टा कट्टा तेरे पास शरीर है इससे तू भीख मांग सकता है, लेकिन यदि इसी से तू किसी की भी जाकर के सेवा कर देगा, किसी को कुछ देगा, तो क्या वापसी तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस भिखारी को बात समझ में आई और उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उसने भीख तो लगभग मांगने बंद ही कर दी, केवल खाना पीना ही मांगता था, और यदि रस्ते में कोई मिल जाए तो उससे राम राम कर लेता, उनको मुस्कुरा करके देखता, कहीं भी कोई आवश्यकता हो, जैसे एक दिन बैठा था कि रस्ते में से एक गाड़ी निकल रही थी, एक बैलगाड़ी थी, लेकिन उस बैलगाड़ी का जो पहिया था वो जमीन में फंस गया, ये उठा भाग करके उसने उस गाड़ी वाले की सहायता की, उसका पहिया बाहर निकलवाया और उसने प्रसन्न होके उसको धन दिया। अब तो जहां भी कोई काम होता तो ये सेवा के लिए पहुंच जाता और लोग भी इसको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखने लगे कि बड़ा मदद करने वाला व्यक्ति है, बहुत दयालु है और उसे कुछ ना कुछ जरूर देते। धीरे धीरे उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाना भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैसे ही चर्चित हो गया, प्रसिद्ध हो गया लोगों की सहायता करने के लिए और लोग उसे कुछ ना कुछ पैसा दे ही दे रहे। धीरे धीरे करके उसने अपना व्यापार भी खोल लिया और फिर उसे धन की कभी आवश्यकता नहीं। कहने का अर्थ केवल इतना है कि मांगते जो हम हैं, जो हमारे अंदर मांगने की इच्छा है, उस इच्छा के कारण ही हम छोटे बनते हैं। और यदि हम देने की इच्छा रखें, जो भी हमारे पास है, जितना हमारे पास है उससे देने की इच्छा रखें, तो अवश्य ही हम बड़े हो जाएंगे। बड़प्पन की जड़ यही है और छोटेपन की जड़ मांगना।
और देखो मांगने से जो मन में इच्छा आ जाए आ जाए आ जाए, इस मांग से मन में ग्रीड यानी कि लालच भी उत्पन्न होता है और उस लालच के कारण भी हम बड़े ही परेशान होते हैं। Hello, my name is Nicole. I'm from Florida, Miami, and I came here for the power course with Guru Sri Rajneesh Ji and Guru Ma Rokmani. I've been here for 30 days, and I got more than I bargained for. There are many gurus, many teachers, and we spend a lot of time and money and energy. We don't really know which one to choose or where to go to get the truth. And I'm glad that I can tell you to come to Shanipit, because the teaching is going to be, could be very fast. It's genuine and we do get results. So there's no doubt that all these years of searching, I came to the right place and with the right masters. मैंने सुना है एक लड़का स्कूल में जाता था, एक दिन उसके टीचर ने उसको लालच के ऊपर कुछ बताने को कहा। उसने टीचर से क्षमा मांगी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता लालच क्या है। टीचर ने समझाने की कोशिश करी लेकिन उसको तब भी समझ ना आया, तो टीचर ने कहा अच्छा चल एक काम करना, तो कल जाकर के हमारे स्कूल के पास एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है, तो वहां चले जा और वहां जाकर के तुझे एक चॉकलेट वहां से उठाने की परमिशन होगी। तुझे कोई सी भी बड़े से बड़ी, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी जो चॉकलेट उठानी है तो उठा लेना। और कैसे करेगा, तू एक दरवाजे से जाएगा, वहां तुझे चॉकलेट दिखेंगी, तुझे जो सबसे अच्छी लगे वो उठा लेना, लेकिन फिर मुड़कर के पीछे मत दिखना और आखिरी दरवाजे तक तुझे चॉकलेट दिखती रहेंगी, लेकिन शर्त यही है कि केवल एक तूने उठानी। जब बहुत प्रसन्न हो गया, अगले दिन दौड़ करके चॉकलेट फैक्ट्री गया, वहां जाकर के उसने दरवाजे से प्रवेश किया तो एक बहुत बड़ी सी, बहुत अच्छी सी, महंगी सी चॉकलेट वहां पड़ी हुई थी, जिसे देख करके बच्चे का दिल प्रसन्न हो गया। वो उस चॉकलेट को तुरंत उठा के अपने पास रखना चाहता था। वो वहां खड़ा हो गया, चॉकलेट को देखते रहा कि मुझे पसंद है, मुझे तो यही चाहिए। फिर अचानक से उसे लगा कि और आगे बढ़ के देखता हूं, इससे अच्छी चॉकलेट भी तो हो सकती है। वो और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि अच्छी चॉकलेट अभी भी है, लेकिन जो पहले देखी थी उससे थोड़ी कम अच्छी है, थोड़ी कम बड़ी है, थोड़ी छोटी चॉकलेट। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर उसने देखा, रुका, फिर अच्छी चॉकलेट देखी लेकिन पहले, सबसे पहले जो देखी थी उससे कम। लेकिन उसके मन में यही था कि इससे अच्छी मिल जाएगी, इससे अच्छी मिल जाएगी। और वो बाहर चलता गया, चलता गया, चलता गया, अंत में बहुत छोटी सी केवल वो टॉफी बची थी चॉकलेट की, वही उसको प्राप्त हुई। तो लालच ऐसा ही होता है कि हम जब भी किसी दिशा में बढ़ते हैं तो मन कहता है कि शायद इससे भी बड़ा कुछ हो जाए, इससे भी ज्यादा कुछ हो जाए, लेकिन वास्तव में जब जो मिल जाए उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जीवन आगे आपको ऐसी सौगातें प्रदान करे। तो इसलिए ये जो मांगने की इच्छा है ये हमेशा लालच उत्पन्न करती है और ये लालच कभी भी किसी के काम नहीं आती। एक और उदाहरण देती हूँ, शायद बात और स्पष्ट हो जाए आपको। एक दिन एक साधु संन्यासी हमारी तरह भगवान में रमे हुए जा रहे थे। मथुरा की ओर उनका जाना था, भगवान के भजन गुनगुनाते हुए, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे। इस प्रकार से भगवान का भजन करते हुए वो साधु वहां से गुजर रहे थे कि एक गांव के पास उन्होंने देखा कि एक रुपए का सिक्का गिरा हुआ है। उन्होंने उस सिक्के को उठाया और उठा करके सोचा कि भैया मैं इसका क्या करूं, मुझे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूख जितना तो मिल ही जाता है,
इसे मैं ऐसा करता हूं कि इसे ऐसे व्यक्ति को दे दूंगा जिसे इसकी आवश्यकता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि अगर ऐसे गिरे हुए पैसे हमें मिले तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सी बार ऐसी स्थिति आती है और कई लोग मुझसे प्रश्न भी करते हैं, तो आज उसी प्रश्न का उत्तर दे रही हूं कि यदि आपको गिरे हुए कोई पैसे मिल जाते हैं तो उसका आपने क्या करना है। बहुत लोग प्रसन्न होते हैं कि माता लक्ष्मी आई है तो फट से रख लो। देखो एक सच्ची घटना बताती हूँ। गुरु जी के जो ज्येष्ठ पुत्र है स्वामी राज ऋषि जी, जो राशि फल भी डेली का देते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे आता है, उनके जीवन की एक सच्ची घटना है। लगभग 9th-10th में वो पढ़ते थे कि उस समय वो स्कूल के ही किसी काम से बाहर गए थे और उनको 500 का नोट सड़क पे पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उस नोट को उठाया और उठाकर के आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उन्हें अपने पिताजी की, अपने गुरु की एक बात स्मरण हुई कि पैसा ऐसे कभी मत लेना। तो उन्होंने जाकर के जो आसपास में जो शॉप थी, जो केमिस्ट की शॉप थी वहां पर, उसको जाकर के वो पैसे दिए और कहा कि अंकल यहां पर किसी के पैसे गिर गए हैं, अगर कोई ढूंढता हुआ आए तो उसे जरूर लौटा देना, क्योंकि 500 रुपए की बात थी, छोटी मोटी बात नहीं थी, तो ढूंढते हुए उस व्यक्ति को अवश्य ही आना था। अब आप कहेंगे गुरु मां ये कौन सी बात हुई, अगर उस दुकानदार ने लिए नहीं आगे अपने पास ही रख लिए तो कौन देता है। अरे भैया तुमने अच्छा किया, उस दुकानदार ने देखा, तुम भी तो रख सकते थे। जब दुकानदार ने देखा कि तुम अच्छा कर रहे हो तो कैसे उसके मन में भावना नहीं चलेगी कि मैं भी अच्छा करूं। तो इसलिए जब तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें देख करके 10 लोग वैसे ही अच्छा करते, तो उम्मीद है कि उस व्यक्ति तक वो 500 का नोट जरूर पहुंच गया होगा। लेकिन आपको भी जीवन में कभी ऐसा कोई पैसा मिलता है तो उस स्थिति में आप देखें आसपास में, अगर किसी का है पूछें, वहां पूछताछ करें किसी का है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लौटा दीजिए। ऐसा नहीं कि चुपके से पैसा उठा लिया, किसी का गिर गया तो भी उठा लिया, बस ये तो मेरा हो गया, माता लक्ष्मी मेरे घर आ गई। नहीं, ऐसा धन कभी भी जिसपे आपने मेहनत नहीं की, जिस पर आपका अधिकार नहीं था, ऐसा धन नहीं देना चाहिए। उस धन को कहीं ना कहीं या तो आसपास में कोई दुकान हो तो उसको दे दो कि आपकी आय पूछते हुए तो उसे दे देना, वो भी ना मिले तो किसी जरूरतमंद को दे देना, कोई जरूरतमंद भी ना मिले तो मंदिर में दान कर देना, लेकिन अपने पास मत रखना, ठीक है। तो उन साधु संन्यासी ने सोचा कि इस धन को रख के मैं क्या करूंगा, जो भी जरूरतमंद मिलेगा मैं उसको दान कर दूंगा। तो वो आगे जाने लगे, रस्ते में उन्हें जो भी मिलता उसे देखते, लेकिन उन्हें कोई जरूरतमंद लगता ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि उसे बहुत ज्यादा जरूरत है धन की, कि अगर 1 रुपया उसे दे दिया जाए तो उसका जीवन बदल जाए, ऐसा कुछ लगा नहीं उन्हें। क्योंकि संतों की जो दृष्टि होती है, ज्ञानियों की जो दृष्टि होती है, वो अलग ही होती है, आम दृष्टि नहीं होती है। तो अपनी ज्ञान भरी निगाहों से उन्होंने देखा, जा ही रहे थे वृंदावन की ओर की देखा, वहां एक राजा अपने पूरे दल बल अपनी सेना के साथ दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। राजा ने देखा साधु संन्यासी मार्ग में मिले हैं, ये तो अच्छा शगुन है, रथ से उतरा, अपने हथियार डाले और आकर के उनके चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके उनको कहा कि प्रभु मैं तो युद्ध करने जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दें कि मैं विजय हो जाऊं। उस साधु ने पूछा भैया एक बात बता, युद्ध करने क्यों जा रहा है। उसने कहा महाराज अपनी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, धन को बढ़ाऊंगा। पूछा धन को बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा। बोलो जब मैं जीतूंगा उनको मार डालूंगा तो उन सबके धन पर मेरा अधिकार हो जाएगा, और उनके जितने भी धन है, धन के अंदर सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, रत्न जेवरात है, सब मेरे हो जाएंगे। तो उन साधु सन्यासी ने अपने खीसे में हाथ डाला और वो जो 1 रुपए का सिक्का था वो निकाल करके राजा के हाथ में दे दिया। राजा बहुत कंफ्यूज हुआ, भैया ये कौन सी बात हुई, मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, इस 1 रुपए से मेरा क्या होगा। साधु बोले भैया जब इतने जमा करने जा रहा तो एक और रख ले, क्योंकि इस संसार में तुझसे ज्यादा दरिद्र और तुझसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे और कोई मिला नहीं, क्योंकि तू अपना इतना सारा दल बल लेके, अपने इतने सारे लोगों को लेकर के उस युद्ध में जा रहा है जहां तू
जरूरी नहीं जीते मर भी सकता है। इतने सारे तू रहते हुए योद्धा मारे जाएंगे, इतना सब तू खर्चा करेगा, वहां शिविर डालेगा, इन सबको खिलाएगा पिलाएगा, इतना खर्चा तेरा होगा कि शस्त्र अस्त्र भी घिसेंगे, नए शस्त्र बनाएगा, इतना खर्चा होगा केवल इसके लिए कि कुछ सिक्के तुझे और मिल जाएंगे, इसलिए तू ये सब खर्चा करने जा रहा है, तो तू इसे रख ले, तेरे काम आएगा। राजा को बात समझ में आई करने क्या जा रहा था। उसने तुरंत कहा अपनी सेना को वापस जाने के लिए, सेना वापसी कूच कर ली। तो इसलिए मांगना छोड़ के आज से देना शुरू करो। कुछ करना है, गुरु माँ की बात समझनी है, गुरु माँ के बताए हुए मार्ग पर चलना है, तो कुछ करो तो दूसरों को देना शुरू करो। सोचो मैं क्या दे सकता हूं, थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं, दान ही करना है, क्योंकि बात हम आज दान की करने जा रहे हैं, और वो भी बताने जा रहे हूं कि दान क्या ना करें। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि गुरु माँ कहती दान करो ही मत, चलो जी पीछा छूटा, ऐसा भी नहीं है। दान करना है, लेकिन क्या दान करना है, क्या दे सकते हो तो तुम सोचो। और मेरे हिसाब से तो श्रम दान सबसे श्रेष्ठ होता है, सेवा का दान सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप सेवा देना चाहते हो, किसी को सहायता करना चाहते हो, वो सबसे बड़ा दान है। पैसा देना बहुत आसान होता है, पैसे देने कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन किसी की सेवा करना, किसी को श्रम दान देना, किसी की सहायता करना, ये सबसे मुश्किल काम है। तो अगर ये भी कर सको तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए देना सीखो आज से, सोचो मैं क्या दे सकता हूं, और देखो जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आधे से ज्यादा दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, और जो दरिद्रता पाले बैठे हो, जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं जीवन में धन को लेके, वो कैसे दूर होंगी, चलो अब उस पर चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आपने अपनी राशि के अनुसार क्या दान नहीं करना है। जी हाँ, फिर से कह रही हूं, इन चीजों का दान करने से, जो सात चीजें मैं आपको बताने जा रही हूं, इन चीजों का दान करने से आपने परहेज करना है, क्योंकि इनको दान करने से आप अपने शुभ फलों को, अपने अच्छे ग्रहों के शुभ फलों को ही दान कर देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। और ना तो दान करना है और ना किसी से इन चीजों का दान भी लेना है, ना तो गिफ्ट करना है ना इन चीजों का गिफ्ट लेना है। कौन सी है वो चीजें, आइए समझते हैं। चलिए बात करते हैं हम तुला राशि की। अगर आपकी राशि तुला है यानी कि लिब्रा है, उस स्थिति में आपने किन सात चीजों का दान नहीं करना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि स्वामी शुक्र बनता है तुला राशि वालों का, जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह बनता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है, अगर वो 12 नंबर में बैठा है, 2 नंबर में बैठा है, या फिर 7 नंबर में शुक्र बैठा है, तो आपने इन सात चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन आपका शुक्र यदि खराब है, पीड़ित है, तो आप अवश्य इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं। इन सात चीजों का दान करते हैं या ऐसी चीजों का दान लेते हैं या गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो ये आपको नुकसान करता है, आपके शुभ ग्रहों का जो फल है उसका नाश करेगा, और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपने श्रृंगार का सामान दान नहीं करना है, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर, क्रीम, जो भी सजने संवरने की औरतों की चीजें होती है, आभूषण, नेकलेस, ज्वेलरी, इन सभी चीजों का दान आप कदापि ना करें। फलों का रस यानी जूस, जूस का दान ना करें, ना गिफ्ट लें, ना गिफ्ट दें। सफेद रंग की जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी सफेद रंग की चीजें हैं, ऐसी चीजों का परहेज करें, इनका दान ना करें, ना ही किसी से दान दें। दही से बनी हुई कोई चीज या स्वयं दही, इसको आप दान ना करें, ना ही इसका दान लें। परफ्यूम जो होता है वो भी आपको दान करना अशुभ रहता है। अगर आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी है तो शुभ फल आपके जाएंगे, इसलिए परफ्यूम का दान भी ना करें। इसके बाद आता है हीरा। अगर आप हीरा किसी को दान करते हैं या दान देते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या गिफ्ट ले रहे हैं, तो हीरे से भी बचें। हीरा, अमेरिकन डायमंड, जिरकन या हीरे जैसे मिलते जुलते जितने भी स्टोन्स होते हैं, इनका भी दान या गिफ्ट आपको सूट नहीं करता है। और इसके साथ ही आलू, जो सब्जियों में आलू होता है, इस आलू का दान से भी परहेज करें, ना इसे लें ना इसको दें।
इन सात चीजों का आप अवश्य ही ख्याल रखें, ये सात चीजों का परहेज करें, ना किसी को गिफ्ट दें, ना किसी का गिफ्ट लें, ना किसी को दान करें, ना किसी का दान लें, तो जीवन में अगर कोई समस्या इसके कारण उत्पन्न हो रही है तो वो अवश्य ही दूर होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि आपकी समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही है, मार्ग नहीं निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। हमारे यहाँ के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप तुरंत ही अपना फोन उठाइए और उनमें से किसी भी नंबर पर हमें संपर्क करिए और हमारे यहाँ कॉल करके हमसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। इन नंबर्स के माध्यम से आप मुझसे, हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी से या स्वामी राज ऋषि जी से आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे बात करने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए एक बहुत छोटी सी फीस ली जाती है जो कि हमारे शनि मंदिर के संचालन के काम आती है, जो धार्मिक और सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं उसमें कार्य में आती है। आज का कोड है 219 और जो हम लंगर सेवा करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं हर मंगलवार को या हर शनिवार को, ये इसमें कार्य में आती है। और समय समय पर जो अन्न दान करते हैं उसके लिए कार्य आती है, और जो गरीब लड़कियों को मैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ उसके लिए प्रयोग की जाती है, और उनको स्कॉलरशिप भी हर महीने देने में ये प्रयोग होती है। तो आप इन सभी सेवाओं में अपना सहयोग दें और अपनी जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आज आपको अच्छी लगी, मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करना मत भूलना। आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री शनिदेव एवं समस्त नवग्रह देवता आप सभी पर अपना कृपा दृष्टि बरसाएं, कोई भी समस्या हो उसमें आपकी सहायता करते रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय श्री।